बहुत दया आ रही थी वो जो ऑफिसर जिसको इन्होंने भेजा था, क्राइम ब्रांच के एक ऑफिसर को। एक युवा जब पुलिस ज्वाइन करता है तो एक बड़े आइडियलिज्म के साथ ज्वाइन करता है कि मैं देश के लिए काम करूंगा, समाज की रक्षा करूंगा, अपराधियों को पकड़ूंगा, क्राइम कम करूंगा, महिलाओं की सुरक्षा करूंगा। वो कभी ये नहीं सोचता कि मेरे से नौटंकी करवाएंगे ये। अब वो जो कल आए थे ऑफिसर्स क्राइम ब्रांच के, 5 घंटे तक मेरे घर के सामने उनसे नौटंकी करवाई इन लोगों ने। 5 घंटे तक उन्होंने अतिशी के घर के सामने नौटंकी, इसलिए थोड़ी पुलिस में ज्वाइन किया था उन लोगों ने। उनको भी बड़ा, मैंने देखा जासमीन उनसे पूछ रहा है तो वो बेचारा कोई जवाब नहीं दे पा रहा, कह रहा नहीं नहीं मीडिया के सामने नहीं, प्राइवेट में आ जाओ, बंद कमरे में आ जाओ, वहाँ बात कर लेते हैं। तो उसको भी कितना, उसके अंदर कितना बुरा लग रहा होगा उसको कि मैं, मेरा दिल्ली पुलिस की एक तरह से कल बेइज्जती कर दी इन लोगों ने। उनके जो राजनीतिक पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उन लोगों ने पूरी दिल्ली पुलिस की बेइज्जती कर दी। वो ये पूछ रहे हैं कि किन लोगों ने आम आदमी पार्टी के MLAs को खरीदने के लिए किन लोगों ने अप्रोच किया, ये किसी से छुपा है? सारी दुनिया जानती है, इस देश में एक ही पार्टी है जो सबको खरीद रही है। जिन्होंने गोवा में सरकार तोड़ के बनाई उन्होंने ही किया हमारा भी, जिन्होंने महाराष्ट्र में NCP तोड़ी उन्होंने ही हमारे MLA को, जिन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़ी, कर्नाटक में सरकार गिराई, राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश की, ये जो पूरे देश के अंदर जिन्होंने उन क्राइम ब्रांच के अफसरों को भेजा वही है इसके पीछे, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? और वो जो लेटर लेके आया था कोई FIR का जिक्र नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरह की नौटंकी से देश की तरक्की नहीं है, अच्छे काम करने चाहिए, दुनिया देश के लिए काम करने चाहिए, समाज के लिए, जैसे हम कर रहे हैं आज तीर्थ यात्रा पे लोगों को भेज के आए हैं। ये इससे तो फायदा है देश का, इससे तो देश सुख शांति होगी, लोग की तरक्की होगी, लेकिन इसकी ये नौटंकी करने से जवाब मांगा लिखित।